ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आज हमारे साथ हैं अर्नब दास और वो हमें सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना, जिसमें उन्होंने न चाहकर भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सजा भोगी। शायद व्हीलचेयर के सहारे अपनी जिंदगी को घसीटता हुआ मैं अर्नब हूँ। मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। आज 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी पत्नी उर्वी के साथ। एक सवाना था, हम बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे थे, पर ये सब तभी तक था उन 7 दिनों से पहले। एक्चुअली मेरा बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उर्वी के पेरेंट्स के घर पे कोई फैमिली फंक्शन था और मैं अपने नए असाइनमेंट में इतना बिजी था कि उर्वी को अकेले ही अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा है अर्नब, तुम्हारे बिना कभी नहीं गई कहीं। अर्नब, I'll miss you too, darling. पर क्या करूं? क्लाइंट्स को काम टाइम पे खत्म करके देना ही पड़ेगा। You know, they have their launch. I hate your clients. I hate them too. Sorry, यार, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पा रहा हूँ घर। I hate you. I really hate you. अरे हाँ, वो मैंने ना 7 दिनों के लिए तुम्हारा खाना बनाने के लिए बोल दिया है और वो आ जाएगी टाइम पर। क्या नाम है उसका? हाँ, पूजा। ध्यान से जाना, एक तो बारिश है और ऊपर से ये पॉट होल्स। लुक आउट फॉर देम। हाँ, थैंक्स, बाय बाय। बाय। पर जब वो 7 दिनों के बाद अपने पेरेंट्स के घर से लौटी तो पता नहीं बहुत डिफरेंट सा बिहेव कर रही थी वो। शून्य में देखती सी आंखें, इमोशनलेस सी आवाज। क्या हुआ था उसे? उर्वी, ये क्या, तुम यहाँ क्यों? मुझे हॉल में सोना है। हॉल में? बट व्हाई स्वीटहार्ट? ए उर्वी, गुस्सा हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आया? यार, यू नो ना, आई हैड माय वर्क। उर्वी, से समथिंग डार्लिंग। ये तुम्हें वहां किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मुझे सोना है, तुम अपने कमरे में जाओ। व्हाट आर यू सेइंग? वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं है, ये हमारे बीच में मेरा तेरा कब से होने लग गया यार? कहा ना, जाओ। ऐसा कट्टू कट बोलना और काम करने का भी अजीब सा तरीका, जैसे ही कोई काम करने को हो तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता था। अरे, तुम कब उठी? कुछ देर पहले। दैट्स गुड यार। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जल्दी से ब्रेकफास्ट और टिफिन रेडी कर दो, आज थोड़ा जल्दी जाना रिकॉर्डिंग में। रेडी है। व्हाट, तुमने रेडी भी कर दिया? पर मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं था। इट वॉज शॉकिंग, रियली शॉकिंग। वो मेरे मन में क्या चल रहा है पहले से जान लेती थी, और ये तो कुछ भी नहीं। मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने उससे कहा, अरे उर्वी, सुनो ना, जरा प्लीज गीजर ऑन कर दो और नल खोल दो, पानी भर जाएगा तो। ये क्या हो रहा था? उर्वी मेरे सामने खड़ी थी, फिर गीजर और नल किसने ऑन किए? मुझे लगा कि मैं सीधे सीधे उर्वी से कहूंगा तो मे बी उसको अच्छा ना लगे, पर मैंने उसे जाने कितनी बार बात करने की कोशिश की। उर्वी, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। जब से मॉम डैड के पास से आई हो, अब तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ।
नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट। आई वॉन्टेड टू से कि अकेले अकेले सारा काम करते करते यू नो दिन भर में स्ट्रेस हो सकता है ना, तो अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चलें तो फिर नहीं। और वो उठ के वहां से चल दी। पता नहीं कोई शॉक लगा था या कोई डिप्रेशन हुआ था उसे, पर अपने आप नल खुलना और गीजर ऑन होने जैसे इंसिडेंट्स मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो पिछले 3 महीनों से मुझसे अलग रूम में सोती थी, वो हमेशा मुझसे कम से कम 4 फीट की दूरी बनाकर रखती थी, और इसके कुछ दिन बाद मैंने कुछ और महसूस किया। जब मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा था तब सामने डॉक्टर बेंजामिन आते दिखाई दिए। हम अक्सर वॉक के लिए साथ निकलते थे। मिस्टर दास, आज तो आप राइट टाइम पर हैं। आपकी संगत का कुछ तो असर पड़ेगा डॉक्टर बेंजामिन। चलिए। अरे मैडम, जिमी को छोड़ दो। अरे बड़ा ही क्यूट पपी है, अभी लिया। यस, बट यू नो पता नहीं आपके घर से क्या प्रॉब्लम है इसको, यहाँ आते ही बहुत इरिटेट हो जाता है। और फिर मैंने उर्वी को आवाज दी, स्वीटहार्ट दरवाजा बंद कर लो। और जैसे ही वो हमारे पास आई कि वो पपी जैसे उसे देखकर पागल सा हो गया। जिमी, क्या हो रहा है? जिमी, स्टॉप स्टॉप, आई सेड स्टॉप बार्किंग। बेंजामिन कितना चिल्लाते रहे पर जिमी पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था, और ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद जब एक दिन मैं डिनर के लिए बैठा तभी मुझे कुछ ध्यान आया। अरे उर्वी, दाल में नमक टेस्ट कर लेना, कल थोड़ा कम रह गया था। फिर मुझे लगा कि नमक मुझे कम लगा यार, तो मुझे ही टेस्ट कर लेना चाहिए। और मैं किचन की ओर बढ़ा और जो कुछ सामने देखा मैंने, मेरे पैर वहीं के वहीं जम गए। दाल का बर्तन गैस पर चढ़ा हुआ था। उर्वी ने उसी खोलती हुई दाल के बर्तन में अपना हाथ डाला और अपने दाल से सने हुए हाथ को बाहर निकालकर बिल्ली की तरह चाटने लगी। उस खोलती दाल से उसका हाथ कैसे नहीं चला? मैं मेरी तो जैसे सांस अटक गई थी ये देखकर। ये क्या 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 कर रही है उर्वी? स्पून से निकाल लेती। और इसके जवाब में उसने सिर्फ पलटकर मेरी ओर घूर कर देखा, पर तभी शायद डॉक्टर बेंजामिन का पपी छूट गया और वो भौंकता हुआ सीधा हमारे घर के अंदर चला है, सीधा किचन के अंदर उर्वी के सामने एकदम पागल सा। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की। जिमी गो, जिमी, जिमी गो, डॉक्टर बेंजामिन, जिमी को ले जाइए, जिमी, जिमी, जिमी गो। और वो उर्वी की ओर ऐसा लपका जैसे वो उसे खा ही जाएगा। मैं चिल्लाया, जिमी, मिस्टर बेंजामिन, संभालिए इसको। पर इससे पहले कि मिस्टर बेंजामिन आते, जिमी उर्वी की ओर उछला और उर्वी ने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया और उसका गला ऐसा दबोचा कि कुछ देर तक तड़प सका वो जिमी। और बस जब उर्वी ने उसे फर्श पर फेंका तो उसकी
तुम नमस्कार साहब जी, वो दीदी जी ने कहा 7 दिन आपके यहाँ खाना बनाने का है। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है अंदर आओ और चलो मैं तुमको किचन दिखा देता हूँ। ये देख लो, और ये मसाले यहाँ पड़े हैं, बर्तन ये नीचे वाले ड्रॉर में है, और स्पून्स वगैरह आई थिंक हाँ इस वाले ड्रॉर में है, ठीक है। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पूजा अच्छी दिखती थी, मतलब उसे देख के लगता नहीं था कि वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट है, ये कोई 20-22 साल की होगी, हल्की सांवली सी, और यही सांवला रंग उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसकी स्माइल भी ऐसी थी कि आई लव्ड इट। और एक शाम को काफी बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि आज मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस बारिश में तो उसके आने के कोई चांसेस नहीं थे। पर सभी डोरबेल बजे और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने पूजा खड़ी थी, और ऐसे लग रही थी कि मैं क्या कहूं, भीगे सांवले बदन से टपकता पानी, वो कांप रही थी। क्या पूजा? कुछ नहीं, नहीं छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ छोड़िए, कुछ कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, मेरे पास मत आना, मैं बोल रही है, मैं दीदी को बोल देगी। नहीं हो पूजा, नहीं हो पूजा, नहीं नहीं। तुम पूजा, पूजा हो? हाँ। ओह माय गॉड, वही पूजा, पाप तुमने किया और मरना मुझे पड़ा। गाड़ी के सामने आकर जान दी थी मैंने, और अब तुम मरोगे। नहीं नहीं पूजा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पूजा उस दिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था पूजा, आई एम सॉरी पूजा। तो अब हम गलती की सजा भुगतो, भुगतो सजा। और उसने मेरा गला पकड़ लिया। नहीं नहीं पूजा, मुझे मुझे छोड़ दो, मैंने मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझे और उसने मुझे उठाकर दीवार पर फेंक दिया। ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरे पास मत आ, डॉक्टर बेंजामिन, मैं और भी बोल रही हूँ, प्लीज डॉक्टर आप जल्दी आ जाइए अभी। ये नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं पता, होश में पड़े, बैटरी हॉट। यस यस प्लीज प्लीज जल्दी आइए। मेरी लोअर स्पाइन बिल्कुल क्रश हो चुकी थी, और जब मैं पूरे 4 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर लौटा तो मेरी बॉडी का लोअर पोर्शन यानी निचला भाग बिल्कुल बेकार हो चुका था। इन द लेमन लैंग्वेज, मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता था। ये उन 7 दिनों की सजा है, हम मैं वो किसी औरत के साथ नहीं कर सकता था जो मैंने उस दिन पूजा के साथ किया। तब से बस ये व्हील चेयर ही मेरी जिंदगी है, और अगर उर्वी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं जी भी नहीं पाता। जिस पल मेरे साथ ये सब हुआ उसी पल पूजा की आत्मा उर्वी का शरीर छोड़ चुकी थी। शायद वो मुझे मेरी गलती की सजा देने के लिए ही आई थी। बस एक संतोष है कि उन 7 दिनों में क्या हुआ ये बात उर्वी को कभी पता नहीं चली। देखती हूँ कि तुम ये सोच के कब तक जी पाते हो कि मुझे नहीं पता,
उन 7 दिनों में क्या हुआ था। सवाल है कि क्या सचमुच उर्वी को पता था कि उन 7 दिनों में क्या हुआ था? क्या अर्नब के पाप की इतनी बड़ी सजा देने के बाद भी पूजा की रूह उर्वी के शरीर में ही थी? जवाब ढूंढिए, क्योंकि कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर अर्नब की तरह आप भी कह पड़ेंगे।